गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर पैक। ये जो हेयर पैक है, ये हेयर पैक आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली है तो बहुत लोग भी तेल लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेल लगाने से उनके स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो चेहरे पे भी ऑयल दिखने लगता है, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स के होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त आप ये पैक लगा सकते हैं। ये पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तेल से भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, तो इस पैक को ज़रूर लगाइए। तो चलिए देखते हैं इस हेयर पैक के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो इस हेयर पैक को बनाने सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे हनी। तो यहाँ पे मेरे पास है हनी यानी कि शहद। तो हनी को आपको लेना है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने हनी ले लिया है, यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून इतना हनी है। तो मेरे हेयर लेंथ पे इतना हनी चाहिए मुझे, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से ले लीजिए। सेकंड जो नेक्स्ट हमें चाहिए वो चाहिए एलोवेरा। तो आपके पास अगर प्लांट वाला एलोवेरा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो मार्केट वाला भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एलोवेरा और हनी दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर आपने 3 टेबल स्पून इसे लिया है तो इसे भी ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून रखिएगा, दोनों का रेशियो जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे वो है लेमन। तो लेमन आपको सूट करता है तो आप लेमन ले सकते हैं, या इसके जगह पे आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं इसे। इसके बाद थर्ड जो है वो है विटामिन ई ऑयल की जो कैप्सूल होती है ये है, तो मैं इसमें 2 डालूंगी। आपको 2 से ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 2 यूज़ करना है। तो इन सबको लेके आपको मिक्सर जार में डालना है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो चलिए पहले इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी को डाल दिया है इस जार में, अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लांट वाला एलोवेरा यूज़ किया था इसीलिए हम यहाँ पे मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं इसे ब्लेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं, जेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे नॉर्मल स्पून से मिक्स कर लेंगे तो भी आपका ये हेयर पैक तैयार हो जाएगा। चलिए पहले इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा हेयर पैक है ये बनके रेडी हो गया है, तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, कोई भी नॉट्स नहीं होने चाहिए आपके बाल में। अब हम इसे पहले अपने रूट्स में अप्लाई करेंगे, इस तरह से रूट्स में अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसे हम अपने बालों के लेंथ में भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो पैक है ये काफ़ी अच्छा है आपके बालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें विटामिन ई ऑयल डाला है। तो ये आपके बालों को शाइनी बनाएगा, ग्लॉसी बनाएगा, इसके साथ ही ये आपके बालों के ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद हमने इसमें एलोवेरा डाला है, तो एलोवेरा भी बालों को बढ़ने में मदद करता है, आपके बालों में शाइन ऐड करता है। हनी जो है वो आपके बालों में फ्रिजीनेस है उसे कम करने में हेल्प करता है, ड्राइनेस को कम करता है, मॉइस्चराइज करता है आपके स्कैल्प को, डैंड्रफ से बचाता है, और लेमन भी आपके बालों में शाइन लेके आता है। तो इस तरह पहले आपको स्कैल्प में लगाना है, बालों पूरे अपने सर में लगा लीजिए और उसके बाद आप इसे अपने पूरे लेंथ में लगा लीजिए। इस तरह से मैं स्कैल्प में लगा के उसके बाद इस तरह से आपको पूरे लेंथ में लगाना है, शुरू से लेके अंत तक। इस तरह से आपको एंड पोर्शन में भी लगाना है बालों के। इस तरह से आप पूरे अच्छे से इसे लगाइए, अप्लाई कीजिए, थोड़े थोड़े बालों के स्ट्रैंड लेते जाइए और इसमें अप्लाई करते जाइए पूरे अच्छे से। यहाँ मैंने इसे अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। इस तरह से आपको पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है और इसे आपको छोड़ देना है 1/2 घंटे से लेकर 1 घंटे तक। आपको इसे इसी तरह से अपने बालों में रहने देना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे तक रखिए, अगर समय कम है तो इसे 1/2 घंटे तक अपने बालों पर लगा हुआ छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे धो सकते हैं, नॉर्मल वाटर से धोइए, अपना शैम्पू और कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।